यूपी के मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे के पास अचानक एक चलती कार में आग लग गई। कार के इंजन से आग की लपटें निकलती देखकर कार सवार चार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कार आग की लपटों से घिर गई और गाड़ी के आगे वाले हिस्से से धुआं निकलने लगा। सड़क पर चलती हुई कार से निकलता धुआं तेजी से आसपास के इलाके में फैल गया, जबकि इस बीच वहां से कई गाड़ियां गुजरी। आग लगने के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसमें कुछ लोगों ने बिना वक्त गवाए बाल्टी की मदद से कार में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की। इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है गाड़ी में आग लग गई इसमें। अच्छा, और सभी सुरक्षित हैं। लोगों का आरोप है कि खबर देने के बाद भी दमकल की गाड़ी देरी से पहुंची, जिसकी वजह से कार पूरी तरह जल गई। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2014 में अपनाई गई पीएम मोदी की रणनीति दोहरा सकते हैं। news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दो जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी की अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और सीटों के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के नांदेड़ से चुनाव लड़ने पर पार्टी को महाराष्ट्र के साथ पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी अच्छी खासी मदद मिल सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि राहुल को अमेठी में हराने के लिए इस बार बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसे देखते हुए नांदेड़ को उनके लिए सुरक्षित सीट के तौर पर चुना गया। नांदेड़ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण का गढ़ है और 2014 में मोदी लहर के बावजूद वो ये सीट जीतने में कामयाब रहे थे। इतना ही नहीं, 2017 में हुए निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने नांदेड़ की 81 में 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी।